देशभर में आज से 2000 के नोटों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है और नोटबंदी के बाद नोट बदली के सरकार के फैसले को गेम चेंजर माना जा रहा है। और ये फैसला क्यों लिया गया, इस बारे में हमने बात की नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा से। 2000 का नोट लाने का फैसला क्यों लिया गया और आज इसे बदलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको सुनाते हैं ये स्पेशल इंटरव्यू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंटरव्यू 9 में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं न्यूज मेकर से और आज हमारे खास मेहमान हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि 2016 की जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इस वक्त राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो निर्माण समिति है उसके प्रमुख के तौर पर अपनी भूमिका बहुत शानदार तरीके से निभा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नृपेंद्र जी आपका। सबसे पहला सवाल, और मेरे हाथ में मैं बता दूं कि लिफाफा है और इस लिफाफे में नृपेंद्र जी के लिए कुल 9 सवाल हैं क्योंकि इंटरव्यू 9 इस प्रोग्राम का नाम ही है। पहला सवाल सर, आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 के नोट लाने के पक्ष में नहीं थे, इसकी क्या वजह थी और अगर वाकई ऐसा था तो उन्हें इसके लिए तैयार किसने किया, लाना इतना जरूरी क्यों था 2000 का नोट 2016 की नोटबंदी के बाद? देखिए, ये बात सत्य है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस पक्ष के नहीं थे कि जब हम 1000 रुपये का नोट एबॉलिश कर रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे 2000 रुपये का नोट क्यों लाया जाए। उनका यह प्रश्न स्वाभाविक था और हम लोगों को उसका उत्तर देना चाहिए था कि उन्होंने पूछा कि आप 500, 200 रुपए और 1000 रुपए का नोट यदि लाना था जो कि नहीं लाया गया तो इसकी प्रिंटिंग क्यों नहीं कर सकी जाएगी। 2016 की नोटबंदी हुई और उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब जब सर्कुलेशन से 2000 के नोट हटाए जा रहे हैं तो सवाल यह भी उठ रहा है कि 2016 की नोटबंदी जो थी वो बिना तैयारी के कर दी गई और इस वजह से अब 2000 के नोट अब बंद करने पड़ रहे हैं। आप उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उस वक्त किस तरह की तैयारियां हुई थी, क्योंकि अपनी तैयारियों को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 माह का समय दिया गया था अच्छा कि तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन गोपनीयता भी आवश्यकता थी। ये जैसा कि आपने भी कहा कि सब कुछ बहुत गोपनीय रखा गया और ये बहुत जरूरी भी था, और ऐसी खबरें आई कि जब नोटबंदी हुई तो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 2-3 लोगों को ही थी, ये बात सही है क्या? ये देखिए, ये तो एक गोपनीय चीज है, मैं इसके बारे में, क्योंकि ये मंत्रिमंडल से संबंधित है और रिजर्व बैंक से, मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसका लेकिन बड़ा असर होगा क्योंकि 2000 का बड़ा नोट है, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि होल्डिंग के चांसेस ज्यादा हैं। हमने पिछले दिनों देखा ईडी इनकम टैक्स की रेट में भी लोगों के घरों से हजार हजार के, दो दो हजार के बंडल्स खूब निकले, तो इससे असर पड़ेगा आप मानते हैं? जी, ये तो होल्डिंग पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप यूं सोचें कि जो स्पेस 2000 नोट के लिए अगर 500 के इकट्ठे करेंगे तो 4 गुना स्पेस उनको चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल।